हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये मिनी सोलर पैनल से हम 12 वोल्ट का लाइट जला सकते हैं या नहीं। तो आप ही मत देख सकते, हमारे पास ये छोटा वाला मिनी सोलर पैनल है। इसका जो वोल्टेज है 6 वोल्ट है और इसका जो एम्पियर है ये 100 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसलिए हम ये 12 वोल्ट का जो लाइट है हमारे पास और एक 6 वोल्ट का लाइट है एलईडी लाइट, ये हम जला पाते हैं या नहीं। तो कैसे इसको जलाना है, हम इसके लिए यूज़ करेंगे एक वोल्टेज स्टेप अप कन्वर्टर यूज़ करेंगे, है डीसी टू डीसी। तो आप देख सकते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर है और इसका प्रीसेट यहाँ पर है। हम वोल्टेज को मल्टीमीटर से चेक करके 12 वोल्ट या और 6 वोल्ट पर लेके हम हमारा जो 6 वोल्ट लाइट और 12 वोल्ट का लाइट है उसको हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये सोलर पैनल है और ये इसके साथ वायर लगा हुआ है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका वोल्टेज हम पहले आपको माप के दिखा देते हैं कितना वोल्ट अभी आ रहा है। तो अभी देख सकते हैं 6 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस सोलर पैनल से। तो 6 वोल्ट में तो ये लाइट जलना चाहिए क्योंकि ये 6 वोल्ट का है। तो चलिए इसको लगा देखता हूँ जलता है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइट है 6 वोल्ट पर जल रहा है, तो लेकिन ब्राइटनेस थोड़ा कम है शायद, लेकिन ये जल रहा है 6 वोल्ट पर, ये लाइट जो है जल रहा है। तो इसका मतलब हमें 12 वोल्ट का लाइट को ट्राई करना चाहिए। तो 12 वोल्ट का लाइट को भी यहाँ पर लगा कर देखता हूँ क्या होता है। तो कुछ नहीं हो रहा है 12 वोल्ट का लाइट में। तो चलिए अब हम कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। तो कन्वर्टर को हम उस यहाँ पर लगा देते हैं इनपुट पर और आउटपुट पर हम मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव नेगेटिव को लगा दिया है, ठीक है, सोलर पैनल पर। इसको यहाँ पर रखता हूँ कुछ इस तरह से। अब मल्टीमीटर से चेक करता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है, नहीं तो हमारे प्रीसेट पर इसको घुमाकर वोल्टेज को 12 वोल्ट पर ले आना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वोल्टेज जो आ रहा है सोलर पैनल से वो 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे प्रीसेट को घुमाना पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ पर से देखता हूँ घुमाकर बढ़ता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है बढ़ रहा है, एक एक वोल्ट करके बढ़ रहा है। अभी 6 वोल्ट हो गया है, तो अभी 8 वोल्ट हो गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं 12 वोल्ट पर ले आता हूँ इसको, तो 12 वोल्ट भी ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 12 वोल्ट का जो लाइट है हमारे पास उसको लगाएंगे। तो अभी 11.75 वोल्ट आ गया है, तो 12 वोल्ट हो गया है, थोड़ा कम कर देता हूँ। और थोड़ा सा, ठीक है, अब 12.12 वोल्ट आ गया है यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो 12 वोल्ट यहाँ पर आ गया है। अब हम यहाँ पर हमारा जो लाइट है इसको लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए लगा कर चेक कर लेता हूँ ये जलता है या नहीं। तो दोस्तों ये काम कर रहा है, तो इसको मैं एक साथ लगा देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये काम कर रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काम कर रहा है बहुत ही अच्छी तरह से और ब्राइटनेस भी ठीक ही है, शायद थोड़ा कम है लेकिन ठीक ही है शायद। तो और यहाँ पर 12 वोल्ट से हमारा 8 वोल्ट पर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इस डिवाइस के माध्यम से हमारा वोल्टेज को बढ़ाकर हम यूज़ कर पाएंगे, 12 वोल्ट का डिवाइस चला सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम करता है, आपने जान लिया है अभी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपका अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कुछ भी पूछने से कमेंट भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।